नमस्कार, मधुलिका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटा जो स्टीम करके बनाते हैं, इसको खिचू भी बोलते हैं। चलिए देखते कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बाउल चावल का आटा लिया है और थोड़ा साबुदाना लिया हो 3/4 है करीब, सॉल्ट है, हींग, जीरा, अजवाइन, वाइट तिल और ये खाने का सोडा है। वैसे चावल का अलग आटा डालने के लिए, पर मैंने खाने का सोडा लिया हुआ है। और धनिया है, ऑयल का यूज़ करेंगे इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे हमने मेजरमेंट के लिए 1 बाउल ये लिया हुआ है चावल का आटा, तो हम 3 बाउल इसमें पानी डालेंगे मेजरमेंट के लिए। कढ़ाई में 1, 2, 3 इसका मेजरमेंट हमेशा ये रहता है। जैसे 1 बाउल लो उसको, 3 बाउल आपको वाटर लेना है। अब ये हमको वेट करना है जब तक ये बॉईल ना हो जाए, फिर इसमें मसाला डाल देंगे हम थोड़े बॉईल होने पे। अब ये पानी गर्म हो गया, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे वाइट तिल जो 1 स्पून है, जीरा जो कि 1/2 स्पून है, अजवाइन ये भी 1/2 स्पून है और इसके साथ हम डाल देंगे साबुदाना। और इसके साथ इसमें डालेंगे हम जो खाने का सोडा है, इसे खारा भी बोलते हैं, वो डाल देंगे। ये 1/2 स्पून से भी कम डाला है। और साथ में डालेंगे 1 स्पून सॉल्ट। इसमें हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, आप फिर भी अपने हिसाब से डाल दीजिए। मैंने 1/2 स्पून हमने हरी मिर्ची का पेस्ट बना कूट के डाला हुआ है। अब इसको पानी को हम बॉईल होने देंगे, काफ़ी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें आटा डालेंगे। अच्छे से बॉईल होने के बाद इसमें कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब तक हम क्या करते हैं, दूसरी साइड में हम स्टीम करने रख देते हैं। स्टीम के लिए गैस ऑन किया, इधर हमने पानी बॉईल करने के लिए अलग से रखा है उस स्टीम का। ये हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, देखिए इसे कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी इसको हिलाना, इसको पीछे से हिलाना या बेलन होता है उससे आप हिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें हम धीरे धीरे आटा डाल देंगे, गैस को स्लो करेंगे। अब इसको हम हिलाएंगे प्रॉपर, ऐसा हिलाएंगे इसमें गुल्ठे ना पड़े, जो गांठ जैसी पड़ जाती ना वो नहीं पड़ना चाहिए। अब ये देखो ये एकदम गाढ़ा होने लगा है, गैस को हमने एकदम स्लो रखा है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया मिक्स करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है धनिया डाल के। ये थोड़ा सा अगर अपन पापड़ी का लोट बनाते हैं तो थोड़ा सा वो हार्ड रहता है, ये जो अपन खिचू खाते हैं थोड़ा सॉफ्ट रहता है आटा उसका खाने में। इसमें हम 1 स्पून ऑयल डालेंगे, देखिए अभी गुट्ठे भी नहीं पड़े इसमें। देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा लाइटिश ग्रीन हो गया है। अभी इसको हम
कवर करके थोड़ा स्टीम करने रखेंगे। ये दूसरी जगह हमारा पानी बॉईल हो गया है, इस पे रख देंगे हम, इसको कवर कर देंगे अच्छे से। 5 मिनट्स के लिए इसे कवर करके इसको रखेंगे, जब तक इधर हम इसका वो बना लेते हैं तड़का। तड़का ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो बनाइए, तो कच्चा ऑयल भी लोग डालते हैं उसमें। इसमें हम डालेंगे हींग थोड़ा, हींग के साथ थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अगर रेड चिली फ्लेक्स नहीं है आपके पास तो आप वो चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी हम चेक करते हैं इधर बन रहा है, हम चेक करते हैं कि हम हमारा ये बना कि नहीं। हमने गैस बंद कर दी है, या वाह हमारा खिचड़ी रेडी हो गया। खिचू अब इसको हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमने एक बाउल में इसको निकालेंगे। बाउल को पहले हम ग्रीस कर लेंगे जिससे कि अच्छे से उसमें से निकल जाए। हमारा खिचड़ी रेडी हो गया। इसको आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा सूखा हरा धनिया डाल दीजिए ऊपर से। अगर आपको कच्चा तेल पसंद है तो इसके आसपास आप कच्चा तेल डाल के खा सकते हैं, नहीं तो इसमें आप अचार का जो मसाला होता है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने चिली फ्लेक्स यूज़ किया हुआ है, वो थोड़ा इसमें डालिए इसके चारों तरफ, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये आपका खिचड़ी रेडी हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए हम बनाने का, बहुत टेस्टी लगता है खाने में।